नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरकार। बात करेंगे दोस्तों बिहार में आने वाली 800 पदों पर नई भर्ती के बारे में, जिसमें बता दें आपके कुछ पद यहाँ पे पटना हाई कोर्ट के तरफ से आए हुए हैं, कुछ यहाँ पे बता दें अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के, कुछ यहाँ पे सूचना जनसंपर्क विभाग से, कुछ यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से, जिसमें बता दें बहुत सारे पद हैं। 10th पास के भी हैं, 12th पास के भी हैं, स्नातक पास के भी। आइए दोस्तों सबसे पहले आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो ये दोस्तों आपको बता दें ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि पटना दिनांक 1 अक्टूबर को शुक्रवार को आपको बता दें मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद की बैठक में अध्यक्षता में इसको करवाई ली गई है। अब दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले कौन कौन से पद यहाँ पर सृजित किए गए हैं। सांसद दोस्तों आज के पेपर के माध्यम से भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बता दें माननीय उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री हेतु मेंबर सेक्रेटरी के, यहाँ पे बता दें ऑफिसर ऑन स्पेशल। सांसद दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें यहाँ पे 3 पद है, यहाँ पे एक एक कर कुल 3 पद यहाँ पे आए हुए हैं। और सांसद यहाँ पदनाम का यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश सचिवालय पटना उच्च न्यायालय पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी यानी कि न्यायिक पदाधिकारी के 1 पद की सृजन की स्वीकृति दी जाती है। ये दोस्तों जिस तरीके से बहाली होगी आपको अलग अलग तरीके से बहाली होगी। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत निदेशालय के गठन हेतु पदाधिकारी और कर्मियों के 26 पदों पर, क्षेत्रीय कार्यालय के पदाधिकारी व कर्मियों के 420 पदों पर कुल यहाँ पे 446 पदों का सृजन की स्वीकृति दी जाती है। दोस्तों बता दें किसी विभाग के तरफ से होगा, आयोग के तरफ से, बीपीएससी के तरफ से या बीएससी के तरफ से, जो भी इसकी बहाली आएंगी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात करें और भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे पद हैं, आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्या आज के पेपर के तरफ से कुल यहाँ पे टोटल 800 पदों की यहाँ पे बहाली की बात की जा रही है। तो ये दोस्तों विभिन्न पदों के नियुक्ति के लिए 800 पद यहाँ पे सृजित किए गए हैं। अब दोस्तों बात करें सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सूचना जनसंपर्क विभाग में टोटल यहाँ पर 796 पदों पर नियुक्ति है, जिसमें से पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग के यहाँ पर स्थापित संयोग, वही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में 26 जिलों के इंजीनियरिंग कॉलेज कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में 312 पद सृजित किए गए हैं। साथ साथ यहाँ पर बात करें जबकि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के यहाँ पर आपको बता दें विवाद संवाद समिति के अंतर्गत 37 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। तो यही दोस्तों बता दें टोटल यहाँ पे 800 पदों यहाँ पे स्वीकृति दी गई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर को, जो कि बहुत ही जल्द आने की उम्मीद है। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करेंगे आप लोग कौन से पद पे यहाँ पे भरना चाहेंगे, और बीपीएससी या बीएससी आयोग की तरफ से ये सभी पद जो हैं यहाँ पे आने की उम्मीद है। देख सकते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में टोटल यहाँ पे 26 जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पे, देख सकते सभी जिला है, यहाँ पे 12 शैक्षणिक संस्थानों प्रधानाध्यापक के 1, यहाँ पे सांसद बात करें यहाँ पे सब प्रधानाध्यापक के 3, सहायक प्रधानाध्यापक के 8, अर्थात कुल यहाँ पे बात करें 312 पदों पे अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे शैक्षणिक पदों पर सृजन की स्वीकृति दी जा रही है। 312 यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में हो गया। तो यही सब दोस्तों अपडेट था जो कि आने वाले दिनों में आप सभी को ये सभी बहाली जो है देखने को, और भी दोस्तों जो भी अपडेट आएगा बिहार की तरफ से पल पल की अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से देंगे। तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर रख ले ऐसी पल पल।